नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा बताने वाले हैं जिससे आप मात्र एक हफ्ते में ही अपने पेट को स्लिम ट्रिम बना सकते हैं और अपने पेट की जो अधिक चर्बी है, चर्बी को खत्म कर अपने पेट को सुडौल बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर आप देखेंगे कई लोगों का पेट ढीला लटका हो रहता है, और जब आप चलते हैं या कुछ काम करते हैं तो उनका पेट धीरे धीरे झूलता और लटकता है। इसके कारण से कभी कभी आपको शर्मिंदगी का भी एहसास झेलना पड़ता है, और कितनी भी कोशिश करने पर भी कोई खास सुधार नहीं होता। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इससे इस नुस्खे से इसका लाभ उठा सकते हैं और उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों, पेट लटकने की मुख्य समस्या हमारा दुष्प्रभाव वाला खान पान है और शारीरिक एक्सरसाइज यानी परिश्रम की कमी है, क्योंकि आजकल हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसकी वजह स्वास्थ्य के प्रति हमारी लापरवाही है, और इसका जवाब इन्हीं में छुपा हुआ है। लेकिन घबराए नहीं, आपके ढीले पेट यानी चर्बी की समस्या से के लिए हमारे पास एक प्राकृतिक यानी नेचुरल उपाय है, नुस्खा है। जी हाँ, इसके लिए हमें चाहिए अदरक, नींबू, एलोवेरा जूस और शहद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ज़बरदस्त नुस्खे जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज स्वयं कर कर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अदरक एक थर्मोजेनिक एजेंट होता है जो आपके शरीर को तापमान को बढ़ाता है। जी हाँ, ये आपके शरीर के तापमान को बढ़ाता है और आपके जो चर्बी होती है उसे खत्म करने में बहुत फायदेमंद पहुँचाता है। हमारे शरीर के लिए नींबू का एक अहम रोल है। नींबू विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच होता है और विटामिन सी उत्पादन में नींबू सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जो स्किन के लचीलेपन को दुरुस्त रखता है। इसके अलावा एलोवेरा का जूस है जो जो हमारा बहुत आसानी से आप लोग मार्केट में मिल जाएगा, और एलोवेरा का जो आस के पाया जाता है कि वो हमारे स्किन की टोन को टाइट करता है और स्किन के मसल्स को स्किन को टाइट रखता है। दोस्तों, ये एंटी एजिंग नुस्खा है और इससे इसके साथ साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, और जो आपके लचीले पेट को एक आकार देने में मदद करता है और आपके पेट के जो मसल्स हैं उनको टाइट रखता है। तो दोस्तों, अब हम डायरेक्ट आते हैं कि हमें इस नुस्खे को बनाना कैसा है। तो इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए जरूरी सामग्री यानी अदरक का रस, नींबू का रस, हमें फिर चाहिए एलोवेरा जूस और ये शहद, 1 चम्मच शहद। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 चम्मच अदरक का रस, या आप अदरक का रस ना भी हो तो आप अदरक का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ले रहे हैं 1 चम्मच शहद, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक का रस, 1 2 2 चम्मच अदरक का रस। फिर इसमें हमें 1 चम्मच प्योर एलोवेरा जेल डालनी है, ये हम अभी डालने वाले हैं आपके सामने। ये एलोवेरा जेल है, ये हमने 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाली है जूस, और इसके बाद करीब हमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डालना है, ये नींबू का रस। तो दोस्तों, आप इस पेस्ट को अच्छे से मिलाएं, अदरक, एलोवेरा जेल, शहद और नींबू को मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और इसे जब तक मिलाएं जब तक ये पूरी तरह अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसके बाद इसे आप अपनी त्वचा पर लगाएं। जी हाँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए
और उसके बाद आप इसे मास्क को अपनी त्वचा पर लगाएं। त्वचा पर लगाने का सही तरीका हम बताते हैं आपको। इसके लिए जब मास्क आपका तैयार हो जाए, यानी जब तैयार हो जाए आपको ये पूरा मिश्रण, तो इसको नाभि के आसपास लगाएं। फिर 15 से 20 मिनट तक इस मास्क को लगा रहने दें और इसके बाद इसे गुनगुने पानी से धीरे से धो लें। फिर साबुन के साथ ठंडे पानी से धोएं। इस मास्क के लगातार इस्तेमाल से आप 1 महीने के बाद कमाल का रिजल्ट देखेंगे। और हालांकि एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमने अब तक बहुत लापरवाही बरत ली है, लेकिन अब और नहीं, हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है। इसके अलावा लटके पेट की समस्या से बचने के लिए आपको सबसे पहले शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना होगा। इसके लिए आपको नमक और चीनी का सेवन करना है रोज़, और भोजन में विटामिन सी और विटामिन सी का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये हमारे शरीर के लचीलेपन को बनाए रखता है। और इसके अलावा सप्ताह में कम से कम 3 बार व्यायाम करना है, यानी एक्सरसाइज करना है, जिसमें पेट को मजबूती मिलती है। और पेट कम करने वाला आपको एक्सरसाइज करनी है। ध्यान रहे, आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये आपकी स्किन स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ पेट के ढीलेपन को भी सही करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही असरदार नुस्खा है, और मात्र 30 दिन के इस्तेमाल से ही आपको इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। और आपके पेट की जो जो अधिक चर्बी है, जो आपके पेट पर लटकी रहती है, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही असरदार नुस्खा है, और आपको इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कीजिए। और आपको ये नुस्खा कैसा लगा, इसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। दोस्तों, हम जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।